Hello students, good morning. How are you? So today we are going to start with the third part of our chapter 5, that is resize and screw. So resize feature of MS Paint allows you to change the size of any image. By clicking on the resize option in the image group, you can increase or decrease the size of the image by changing the parameters, that is percentage or pixel. सो जो रिसाइज बटन रहता है उससे आप आपकी इमेज के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो. इसके लिए आप अगर आपको उसकी इमेज बढ़ाना है या कम करना है उसके लिए आपको पैरामीटर्स दिए रहते हैं. लाइक आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो इमेज को बढ़ाने के लिए जो आपको दिए गए होते हैं, या आप पिक्सल्स इंक्रीज कर सकते हो. स्क्रू फीचर ऑफ MS Paint अलाउज शिफ्टिंग द इमेज एट एनी एंगल. It can be done by changing the degrees of angles you want to shift your image. Okay, so screw feature में क्या होता है कि आप आपकी image को जहाँ चाहें वहाँ shift कर सकते हैं. Okay, ये आप degree angles of degrees change करोगे तो ये आपकी image क्या हो जाएगी, shift हो जाएगी. Okay, let us learn to resize and screw an image. First, draw an image. Select it by using selection tools. From the image group, click on the resize option. Okay, so first three steps are draw the image. फिर selection tools के tools की help से आप इसे select कीजिए जो आपकी image है उसे. Then image group से आप resize का option select कर. The resize and screw dialog box appear. Open, change the parameters on the basis of whether you want to resize or screw the image. Click OK. See the changes in the image. Okay. So, जैसे ही आप resize option में click करोगे, so resize और screw का option आपके पास आएगा. So, उसके according क्या आपको image resize करनी है या screw करनी है, आपके parameters like numbers change कीजिए, छोटा करना है या बड़ा करना है, then click OK. और इमेज में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे. रोटेट एंड फ्लिप. इन द इमेज ग्रुप जस्ट बिलो द रिसाइज ऑप्शन इज द ऑप्शन ऑफ रोटेट. दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू रोटेट और फ्लिप एन इमेज. ओके, सो रिसाइज के जस्ट नीचे एक ऑप्शन रहता है जिसे कहते हैं रोटेट. अभी रोटेट ऑप्शन क्या होता है, लेट्स सी. रोटेट ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव एन इमेज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. लाइक आप की इमेज अगर ऐसे जो पिक्चर में दिया हुआ है वन में वैसी है, तो अगर आपको रोटेट करोगे लेफ्ट या लेफ्ट रोटेट करोगे तो वो इमेज वैसी हो जाएगी. यू हैव यूज इट इन योर मोबाइल फोन एज वेल. सो फ्लिप ऑप्शन इज यूज टू फ्लिप एन इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. लेट अस लर्न टू रोटेट और फ्लिप एन इमेज. ड्रॉ एन इमेज. सिलेक्ट द इमेज यूजिंग सिलेक्शन टूल्स. Click on the rotate option. The menu appears with various options. Choose the desired option for your image. Okay, so image को आपको draw करना है, फिर selection tools की help से image को आपको select करना है, जितना part आपको select करना है. Then click on the rotate option. एक menu appear होगा, आपको उसमें से आपका options choose करना है कि अगर आपको rotate करना है या flip करना है. Then choose the desired option for your image. The image will be changed as per your selection. जो भी आपने selection किया है उसके according आपकी image change हो जाएगी. How to save a file in MS Paint? Let us learn to save a drawing in MS Paint. Click on Paint menu. Click Save option. Choose the format in which you want to save your file from the Save As type. Double click on the location where you want to save your file. Click Save. Okay. So अगर आपको आपकी file save करनी है MS पेंट में तो आप वो कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले आप पेंट में क्लिक करो, पेंट मेन्यू में जाओ, देन सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट सेव ऑप्शन. सेव ऑप्शन में क्लिक करो. चूज द फॉर्मेट इन विच यू वांट टू सेव योर फाइल फॉर द सेव एस टाइप. अगर आपको उसको PNG फॉर्म में रखना है या JPG फॉर्म में रखना है, उस वैसे आपको सिलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट पर रखना है. डबल क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल. क्लिक सेव. देन आपको सेव प्रेस करना, द फाइल विल बी सेव. ओके, हाउ टू एग्जिट MS Paint. यू कैन एग्जिट MS Paint बाय प्रेसिंग द क्रॉस बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. क्लिकिंग ऑन द पेंट मेन्यू एंड चूजिंग एग्जिट
ऑप्शन गिवन एट द बॉटम. ओके सो हियर आर द टू वेज गिवन. सबसे पहले अगर आपको एमएस पेंट एग्जिस्ट करना है तो क्रॉस बटन जो ऊपर दिया रहता है उस पर आप क्लिक कीजिए. ठीक है, देन क्लिक ऑन द पेंट मेन्यू. पेंट मेन्यू में जाएं और उसमें एक लास्ट ऑप्शन होता है एग्जिट, आप उस पर क्लिक कर सकते हो. सो इन दिस वे आर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट एमएस पेंट इन दिस चैप्टर. आई होप यू विल प्रैक्टिस इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.